बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रहीम वालेकुम दोस्तों कैसे हैं आप सब उम्मीद है सब ठीक ठाक कुछ बात होंगे तो जनाब आज का व्लॉग होने वाला है बहुत ही रैंडम सा <laughs> क्योंकि पता है सब दिन एक जैसे भी नहीं होते कुछ बड़े प्रोडक्टिव होते हैं कुछ बड़े ए, हैक्टिक होते हैं कुछ बहुत लेज़ी भी होते हैं और आज का दिन जो था ना वो मेरे ज, जैसे कि मेरी लेजी डेज होते हैं ना से कुछ एक था तो जनाब ये कल शाम की क्लिप है हम लोग गए हुए थे भाभी तस्मिया के घर और इतना मज़ा आया आप ये यकीन करें ये मेरी फेवरेट तरीन जगह है यहाँ पे इतना सब्ज़ा इतना सकून इतना मैं कहती हूँ सब कुछ जो जो चीज़ें मुझे पसंद है ना वो सब कुछ वहाँ पर मुझे मिल जाती हैं तो ये उनके ना जो बैक यार्ड है ना उधर ये बनी हुई है उन्होंने काफ़ी सारी सब्ज़ियाँ लगाई हुई हैं ये मूलियाँ शूलियाँ मैं चेक मुझे बहुत अच्छा लगता है खुद से तोड़ के ना पकाने का मुझे बहुत मज़ा आता है और कुछ भी लगा हो ना खुद से मतलब वो तोड़ के और उसको खाने का जो मज़ा है ना वो बाज़ार की चीज़ों में किधर और ये देखिए इतनी प्यारी लग रही थी ये, ये गोभी का फूल जो था ना वो पिद्दू सा बिल्कुल छोटू सा भी छोटी सी गोभी इसके अंदर लगी हुई थी और यहाँ पे इन्होंने ना ये पिछली बार ये नहीं लगाए थे इस बार पहली बार लगाए और जितने भी लगाया ना जो थोड़े से बड़े वाले फ्लावर्स हैं उसके अंदर सब के अंदर ना ये गोभी जो थी ना वो छोटी छोटी सी लगी हुई थी वो मैंने पहली बार इतनी पिद्दी सी गोभी देखी तो मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ यहाँ पे ना बच्चों ने हमें घर में इतना तंग किया हुआ था तो हम लोगों ने सोचा कि थोड़ी देर लिए बाहर है, जाते हैं सांस लेते हैं पता है एक जगह पर हमेशा रह रहे हैं कि ना बच्चे भी इरीटेट हो जाते हैं उनका भी दिल होता है कि हम बाहर निकलें अब सर्दी इतनी है कि पार्कस में भी जाने का जाने के लिए ना पहले सोचना पड़ता है काफ़ी बार किधर लेके जाए इनडोर पार्क इधर ना के बराबर है कभी ये फ्राइड चिक्स या के एफ वगैरह पे अगर बंदा जाए ना तब भी है कि बच्चा थोड़ा बहुत खेल ले लेकिन बाहर वाली तो हालत ही नहीं रही इतनी ज़्यादा सर्दी होती है कि बच्चों को लेके जाते हुए भी डर लगता है तो यहाँ पर दानियाल भी बहुत खुश रहता है सालार भी बहुत खुश रहता है हाँ अमार जो है ना वो बच्चा जो है ना वो घर में ज़्यादा खुश रहता है वो कहीं जा हमें बहुत तंग करता है तो यहाँ पर ये जो उनके घर का ये फ्रंट एरिया है ये मतलब एक जो पीछे मैंने सब्जियों वाले दिखाया ना वो इनका बैक यार्ड है और ये वाला ना उनका फ्रंट यार्ड है गार्डन एरिया भी समझ लें या इधर भी उन्होंने कुछ सब्जियां साग वगैरह लगाए हुए हैं लेकिन ये एरिया इतना पुरसकून मुझे लगता ना कि मैं क्या बताऊँ बस वहाँ पर कुछ अच्छा सा टाइम गुजारने के बाद हम लोग घर आ गए और यहाँ पर आके मैंने ना आ, मेरी जो कोशिश थी ना वो तो थी एक मुझे बनाना था ऑर्गेनाइजर सा मुझे बनाना था एक ना ये खाली डिब्बे से ये शू के लिए मेरे पास एक कार्डबोर्ड का डिब्बा पड़ा हुआ था मैंने सोचा इसके ऊपर थोड़ी सी पेपर लगा देती हूँ और इसको थोड़ा सा प्रेजेंटेबल हो जाएगा लेकिन कुछ भी नहीं हुआ क्योंकि मुझे टेप ही नहीं मिली पता नहीं मुझे समझ नहीं आता ये जो लागर्स होती हैं उनके पास हर वक्त हर चीज़ कैसे होती है हमें तो जब भी कुछ चीज ज़रूरत पड़ती है फ़ौरन मंगवानी पड़ती है घर में इतना बड़ा स्टॉक नहीं होता और जब से माशाल्लाह बच्चे हुए ना तो वो कोई भी चीज़ इधर से उधर किसी भी टाइम हो जाती है पता नहीं चलता मुझे टेप ही नहीं मिली मुझे ये एंड में येलो कलर की टेप मिली तो मैंने सोचा कि चलें थोड़ी देर के लिए इसके साथ ना टाइम पास कर लेते हैं जब मैं शॉपिंग पर जाऊँगी तो मैं कोई अच्छा सा ऑर्गेनाइज़र लेकर आ जाऊँगी तो मैंने सोचा ये मुझे ना मेरे क्लचेस के लिए चाहिए थी मुझे ना ये हर जगह पर गिरे थे तो मुझे ना अच्छा नहीं लग रहा था मैंने सोचा कुछ टाइम के लिए ना इसके अंदर रखती हूँ फिर जब शॉपिंग पर जाऊँगी तो उसके लिए एक ऑर्गेनाइज़र ले आऊँगी उसी साथ मैंने सोचा आपको थोड़ी सी मैं अपने क्लचेस की जो कलेक्शन है ना वो भी शेयर कर लूँ कि मेरे पास क्लचेस कौन कौन से हैं ये सारे जो क्लचेस हैं ना ये सारे पुराने वाले हैं वे सिर्फ़ एक नया जो कि आपने मेरी बर्थडे पे देखा होगा मेरी भाभी लेके आई थी वो मुझे मुझे ना वो मुझे आप सब कह सकते हैं कि मैं एक कलेक्टर हूँ मुझे लेने का मतलब चीज़ को पकड़ने का इतना शौक़ नहीं है जितना मुझे ले कर रखने का शौक़ है मुझे बहुत अच्छा ये जितनी भी गर्लिश जो जितनी भी चीज़ें हैं ना मुझे सब बहुत अच्छी लगती हैं ये वाला जो है ना ये सिल्वर ये मेरा सबसे रीसेंट वाला है मतलब ये मुझे बहुत पसंद आया था और ये मैंने आपको वीडियो में भी दिखाया था जब मैं शॉप शॉपें देखने गई थी तो ये मेरी भाभी ने मेरे लिए बाय कर लिया था और मुझे ये सरप्राइज़ मिला था सो so, ये जो छोटे छोटे ये सारे फैंसी क्लचेज़ हैं जो मेरे पास हैं और इसके अलावा मेरे पास ना वॉलेट्स हैं जो हैंड पर्ड्स होते हैं ना जो आम मैं यूज़ करती हूँ तो वो भी मेरे पास एक अच्छी हंसी कलेक्शन है अच्छा ये मेरा बहुत पुराना है ये मैंने स्टाइलो से लिया था का, काफ़ी साल पहले ना तो ये बहुत बहुत अच्छा चला इसके अंदर की क्वालिटी तो बहुत ही अच्छी है लेकिन ये फेक लेदर टाइप है लेकिन बाहर से ना इसका ये एक पैच पान गया वो थोड़ा सा ख़राब हो गया तो फिर मैंने अब उसको यूज़ नहीं करती लेकिन पड़ा हुआ है मेरे पास उसके बाद भी मैं अब जो आजकल यूज़ कर रही हूँ वो एक ये वाला है और एक और है ये वाला भी मैंने स्टाइलों से लिया था ये भी मुझे बहुत पसंद है पता नहीं क्यों मुझे ना ब्लैक वॉलेट जो होते हैं वो मुझे बहुत अट्रैक्ट करते हैं अच्छा ये भी एक आ, काफी साल पुराना है मैं कम से कम ये तीन साल पुराना है और इसका जिपर भी बहुत अच्छा है अभी तो सर्दी की वजह से मेरे अपने हाथ झाँप हुए तो मेरे से मान नहीं हो रहे थे अच्छा ये जो है ना ये वाला क्लाच ये क्लाच कह रही हूँ वॉलेट समझ लें तो ये जो है ना ये सबसे ज़्यादा पुराना है ये आर्मी स्टाइल में ये मुझे बहुत बहुत अच्छा लगता है ये कम अज़ कम ये सात साल पुराना है मेरे पास और ये मैंने फिर भी रखा पता नहीं क्यों कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैं आ, मतलब उसको नहीं छोड़ती मतलब मेरे पास रहती हैं हालांकि ख़राब नहीं इसलिए मैंने इसको डिस्कार्ड नहीं किया मुझे बहुत अच्छे लगते हैं इस तरह के ना So, उसके बाद जो है ना ये पिदूसा कहने लगी थी ये आफ वाइट है ये मुझे बहुत अच्छा लगता है ये तो अभी मैंने यूज़ ही नहीं किया ये मतलब ये मेरी कज़न लेके आई थी जब वो इटली से आई थी तो इसका ये अभी बिल्कुल आप देख सकते हैं ये अनटच पड़ा हुआ है ये मुझे बहुत डिसेंट सा मैंने समझा सोचा कि जब कभी यूज़ अभी मेरे जो रहे हैं वही चलें उसके बाद ये मैं लेके आई थी इसको भी कुछ महीने हो गए मैंने जब ये लिया था वैसे ही मुझे बस इसका कलर अट्रैक्ट किया तो मैंने सोचा चलो ये भी एक बंदा रख लेता है <laughs> तो जनाब ये थी मेरी क्लचिस की कलेक्शन और मेरे पर्सेज़ की और ये जो है ना वॉलेट ये मैं अभी करंटली मैं यूज़ कर ली मैं ये मैंने अपने बैग में रखा होता है और जब हमने कभी मार्केट जाना होता है वो जो डीप वाला मैंने बड़ा आपको दिखाया ना ब्लैक वो मैं लेके जाती हूँ सो ये मुझे बहुत वॉलेट पसंद है ये भी मैंने स्टाइलों से लिया था और ये इसकी जो क्वालिटी है ना वो या, आला किस्म की क्वालिटी है ये खराब होने वाली नहीं है तो जनाब उसके बाद एक बहुत बड़ा सा जो का काम है। ए, एक तो इसका मैंने पोर्शन ही सिर्फ ये रखा हुआ है लेकिन इसके लिए एक मसला है कि इसके ना पार्टीशन नहीं हुई हुई तो अब मैं यही अंदर ना पार्टीशन करवा लू तो क्योंकि इधर नीचे उसका तो बहुत जल्दी मतलब हर चीज़ वो उठा के ना ख़राब कर देता है तो वो उसका हाथ जो इधर पहुंच जाता है तो जितनी भी चीज़ें वो उल्टा देता है हर वक्त उसकी जितनी भी मैं सेट करके रख लूँ ना वो ख़राब हो जाती है तो इतनी मेहनत करने के बाद भी अगर आपको उसका फल ना मिले तो बड़ी तकलीफ होती है तो आ, कुछ टाइम के लिए तो मैंने इसको सेट कर दिया है मुझे नहीं पता सुबह तक वो रखता है नहीं रखता है। मतलब ये बार बार मुझे करना ही पड़ता है कोशिश मेरी ये होती है कि ज़्यादातर जितने भी इसके हैं ना वो मैं हैंगर में ही लगा दूँ ताकि ऊपर तक तो उसका हाथ नहीं पहुँचता लेकिन नीचे वाली जितनी चीज़ें हैं ना उसके हाथ में आ जाती हैं सो जनाब ये वाला भी मेरा काम ख़त्म हो गया आज मैंने ना साफ सफाई का बहुत ज़्यादा काम नहीं किया था क्योंकि इतना गान नहीं पड़ा हुआ था सो so, यही कुछ चीज़ें थी जो मेरे जहन में थी जो मैंने करनी थी जनाब ये जो सब्ज़ी है ना ये हमारी अपनी ज़मीन की आई और इतनी मुझे खुशी होती है ना जब पहली बार आ, मतलब उधर से हम सब्जियाँ वगैरह भी उतार रहे हैं तो बहुत मज़ा आता है और जो अपनी जमीन की चीज़ सब्ज़ी पका के उसमें जो लज्जत आती है ना वो उस बाज़ार की सब्जियों में नहीं आती क्योंकि ये खादों के बगैर जो खालिस होती है ना प्योर ये वो वाली हैं सो so, इसका जो टेस्ट है ना वो और ही होता है पिछली बार भी हमने पकाए हैं तो क्या ज़बरदस्त किस्म के ये पके हैं बहुत ही मज़ेदार सो so, जनाब ये थी मेरी आज की वीडियो उम्मीद करती हूँ आपको आ, आ, वीडियो अच्छी लगी होगी अगर वीडियो अच्छी लगे तो आपने वीडियो को लाइक जरूर करना है मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना है और मुझे इंस्टा पे भी ज़रूर फॉलो करना है और मुझे और मैंने बहुत खास आपसे बात करनी थी कि मैं अनकरीब एक क्यू एन ए की वीडियो बनाने वाली हूँ तो अगर आपको मेरे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप मुझे सेंड कर सकते हैं डी एम्स भी कर सकते हैं चलें जी इंशाल्लाह कल फिर मिलेंगे दुआ में याद रखिएगा अल्लाह हाफिस